अभी मैं आया हूँ यहाँ बाढ़ कचहरी पेट्रोल पंप पे तेल लेने के लिए। चलते हैं हम लोग आज बख्तियारपुर। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि लॉन्ग टर्म्स के लिए मैं मतलब बुलेट ड्राइव कर रहा हूँ। तो गाइज मैं अभी आ चुका हूँ बख्तियारपुर, और जैसा कि हर शहर का कुछ ना कुछ डिश होता है जो कि पॉपुलर होता है, मेरे बाढ़ शहर का लाई जो कि बहुत फेमस है, तो हमारा जो ये बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर का चाय, फोर लाइन वाला चाय और लिट्टी बहुत फेमस है। तो आया हूँ आज मैं ट्राई करता हूँ। आई होप कि आप लोग जितने लोग आए होंगे उनको पता होगा, जितने लोग नहीं आए हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर आइए और एक बार ट्राई कीजिए। ऐसे तो लिट्टी चोखा हमारे बिहार का फेमस डिश है, बिहार का ऐसा है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए फिर टेस्ट लेते हैं लिट्टी चोखा का। और आज हमारे साथ एक फ्रेंड हैं, उनका नाम है गुलशन, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं हमारे और हमेशा साथ में ही रहते हैं, तो आज ये मेरे साथ में आए हैं। चलिए फिर ट्राई करते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी है और वो भी एकदम घी में डाला हुआ, तो काफ़ी मतलब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आप भी खाइए। हाँ खा रहे हैं। प्याज भी यहाँ पे उपलब्ध है। अरे प्याज से और टेस्टी लग रहा है ये हमारा लिट्टी। हाँ सच में यार लिट्टी चोखा तो बहुत मतलब जैसा लोग कहते हैं, जैसा सुना था मैंने, उससे भी बहुत लाजवाब था। एक्चुअली काफ़ी टाइम मैं खाया हूँ, आज मैं बहुत दिनों के बाद स्पेशल लिट्टी चोखा ट्राई किया, आज भी वही टेस्ट है और वही मज़ा है, मज़ा आ गया। और ये है बख्तियारपुर का चाय, देख रहे हैं, और चुस्की लेते हुए, सच में एकदम गोल्डन टी, सुनहरा टेस्ट, जबरदस्त, मजा आ गया। सच में गाइस कुल्हड़ चाय का मजा ही एक मतलब अलग होता है, अलग ही टेस्ट होता है। सच में मतलब जैसा लोग बोलते हैं कि बख्तियारपुर का जो चाय है वो बहुत फेमस है, वो ऐसा ही नहीं फेमस है, टेस्ट भी पीने के बाद तो कसम से मतलब चाय टी लवर। गाइस ये जो रूट देख रहे हैं आप, ये जाता है बाढ़ से पटना की तरफ, वही फोर लाइन है, अभी मैं चलूँगा उधर दिखाऊंगा आपको। और ये जो सामने जो इधर जो रास्ता जाता है वो है बिहार शरीफ, और मैं एग्जैक्ट बख्तियारपुर फोर लाइन के नीचे हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ से चाय पिया, लिट्टी चोखा खाया, जो कि जैसा कि मैंने बताया था और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया भी था, फाइनली गजब मज़ा आ गया। अभी मैं चलता हूँ, यहाँ का कुछ व्यूज़ और लोकेशंस वगैरह जो भी है उसको हम लोग देखते हैं और लेट्स गो। अभी हम लोग आ चुके हैं ये फ्लाईओवर पे, जो कि अभी इनकम्प्लीट है, जो कि इसका भी काम चल रहा है। और ये जो आप यहाँ से किला रास्ता है, ये पूरा रास्ता बिहार शरीफ के तरफ जाता है, बिहार शरीफ, हरनौत, नालंदा, राजगीर, नवादा जो भी है इधर ही आता है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं कि व्यू मतलब जैसे कि मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था कि काफ़ी हरा भरा जगह है हमारा बाग, तो बख्तियारपुर भी इन सभी चीज़ों में पीछे नहीं है, और यहाँ का जो हरियाली आप देख सकते हैं।
हाँ, ये जो आप व्यू देख रहे हैं मेरे पीछे, काफ़ी मतलब मैं अभी हाइटेड प्लेस पे हूँ। ये ब्रिज का शायद लास्ट पॉइंट है, अभी वो कनेक्ट होने वाला है, सेकंड ब्रिज है। तो जो व्यू आप देख रहे हैं सामने, बाजू में भी कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ बन रहा है, पीछे कुछ ये खेत वगैरह है, जो कि सारा फील्ड हरियाली और एक रेलवे ट्रैक भी शायद साइड साइड से उधर से, जो कि बिहार शरीफ राजगीर की रूट को कनेक्ट करता है। तो हम लोग आज आए हैं इधर घूमने के लिए, बस ताकि आप लोग को इधर का व्यू दिखा सकूं। देखिए सच में मज़ा आ गया आज का ये ब्लॉग मतलब शूट करने में, जिनके साथ मैं आज आया हूँ। रियली इज़ मतलब बहुत फनी है और बहुत क्रिएटिव भी है, चीज़ों को तुरंत क्रिएट कर लेते हैं। और आज का मैक्सिमम पार्ट इन्होंने ही शूट किया है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन्होंने कैसा वीडियो शूट किया है मेरा। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, आगे कुछ मिल गया तो वही फुटेज लिया जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग वापस अपने बाढ़ घर की तरफ चलेंगे। और बस ओके, गाइस ऐसा अभी आज का जो ब्लॉग है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक मैं बुलेट अप्रोक्स 4 to 5 times ड्राइव किया हूँ, ये मेरा 4th या 5th time है। तो अभी कैसा है, ये सबसे मेरा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ तक कि मैंने बुलेट ड्राइव किया है, तो इसलिए मैं आज एक्साइटेड भी था कि मुझे बुलेट ड्राइव करने के लिए मिल रहा है और थोड़ा डिस्टेंस पर भी जाने का है, घूमने का है। तो मतलब ये भी एक रीज़न बना जो कि मुझे आज अपने आप में एक अच्छा फील करा रहा है। देन चलते हैं फिर आगे। ये जो जगह है बख्तियारपुर का फेमस जगह है, यहाँ पे लोग पशु खरीदने और बेचने आते हैं। यहाँ पे एक से एक गाय भैंस बछड़ा यहाँ पे एक से एक मिल सकता है, जैसे में हम देख सकते हैं पहुँच गए हैं। नमूने नमूने गाय, ये देखिए भैंस है, कम से कम 60,000 का होगा। यहाँ पे 1-2 lakh का गाय मिलता है। बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है इधर। आज सोमवार है, सोमवार का ये सोमवार को ही मेला लगता है। गाइज ये जो लोकेशन है इधर पानी जमा हुआ है, ये जो रास्ता भी जा रहा है ये मतलब बाढ़ बिहार का ही क्षेत्र है, रामनगर बिहार टाल क्षेत्र होता है, टाल क्षेत्र है उसका, मतलब हमेशा बरसात में इधर का एरिया डूब ही जाता है अप्रोक्स, क्योंकि बारिश इतना तेज़ होती है और इधर पानी निकलने का कोई सोर्स नहीं है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से पानी का जमाव इधर है। हाय एवरीवन, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि ये जो हमारा अच्छाई है और जिसको अच्छा करना है वह हम लोगों को पता चल सके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सही समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।